इंपॉर्टेंट फ्लैश भी हम देख रहे थे कि मूडीज ने चाइना के जीडीपी का जो टारगेट है उसे घटाया है. आपको याद होगा जुलाई एस्टिमेट्स चाइना के सारे इकोनॉमिक स्लो डाउन क्लियरली दिखा है, और इनफैक्ट चाहे उनकी रिटेल सेल्स हो, इंडस्ट्रियल आउटपुट हो, ये सारे के सारे डेटा जो है वो इकोनॉमिक्स की एस्टिमेट से कम आए थे. और अब मूडीज ने चीन का जीडीपी अनुमान घटाकर 3.5% कर दिया. चलिए इस पर ज़रूर नज़र रहेगी कि ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है. कई सारे सेक्टर और स्पेसेस है जो इम्पैक्ट होते हैं, मेटल खास तौर पर, और साथ ही इकोनॉमिक स्लोडाउन अगर चाइना में देखने को मिलता है तो इंडिया कितना बड़ा बेनिफिशियरी होता है. ये लगातार इस थीम्स पर कई सारे सवाल हम पूछते रहते हैं. सुमित हमारे साथ बने हुए हैं, सुमित पोदार. सुमित, इस न्यूज़ पर अगर हम इम्पैक्ट इंडिया के लिए ढूंढने की कोशिश करें, हालांकि इंडिया के लिए कई सारी बातें की जाती है कि स्वीट स्पॉट में है इंडिया, पीएलआई स्कीम बड़ा ट्रिगर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और थीम तो आप अभी थोड़ी देर पहले बात ही कर रहे थे. कितना बड़ा फेवरेबल पोजिशन सिचुएशन रह सकती है इंडिया के लिए इन सारे मैक्रो एनवायरमेंट को देखें तो? देखिए, आपने ये जो चाइना की बात की, एक तरह से चाइना का जो स्लो डाउन हो रहा है, एटलीस्ट ऑफकोर्स दे आर ग्रोइंग बट एट अ स्लोअर रेट. जो सिचुएशन बन रही थी जहां पे यूएस लिक्विडिटी टाइटनिंग की बात कर रहा था, चाइना स्लो डाउन होने से एक ये हो रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट भी थोड़ी लिक्विडिटी पास करने की कोशिश कर रही है. तो इससे क्या होगा कि ग्लोबल एनवायरमेंट में जो टाइटनिंग की बात हो रही थी वो एक थोड़ी बैक सीट ले लेती है, एक ये हो गया. दूसरा, जो सप्लाई चेन में इश्यूज आ रहे थे कि भाई यहाँ से चाइना से जो यूएस जा रहा है या डेवलप वर्ल्ड में जा रहा है, इवन यूएस एंड यूरोप में जो डिमांड की मॉडरेशन आई है या स्लो डाउन आई है, उसकी वजह से भी जो सप्लाई चेन की इश्यूज हो रही थी दे विल काइंड ऑफ गेट करेक्टेड. एंड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स, जो यहाँ पे इंडियन कंपनीज को जैसे रॉ मटेरियल प्राइसेस के ऊपर ग्लोबल इन्फ्लेशन इम्पैक्ट कर रहा था, वो इन्फ्लेशन जो है वो कम इम्पैक्ट करने लगेगा. सिमिलरली स्लो डाउन के वजह, चाइना में स्लो डाउन के वजह से पॉसिबली हमें जो एक ब्रीदर चाहिए स्केल अप करने के लिए, वो ब्रीदर मिलेगा एंड हमारी इंडस्ट्रीज फिर स्केल अप हो जाएंगी. एक तरह से जो रैपिड डिमांड आ रही थी, जैसे केमिकल सेक्टर को देखें, स्पेशलिटी केमिकल जो रैपिड डिमांड आ रही थी, और अब इन्फ्लेशन के वजह से, रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन के वजह से डिमांड पुशबैक हो रही थी या सप्लाई चेन के वजह से डिमांड पुशबैक हो रही थी, वो एक हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा फ्रॉम अ बिजनेस स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू. एंड वो ओवर अ पीरियड दिखेगा हमारे बिजनेसेस पे. हालांकि इमीडिएट इम्पैक्ट उसका नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड उस चीज का हमें, हमारे बिजनेस और इकोनॉमी को काफी अच्छा फायदा हो सकता है.